श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद 10वां अध्याय 27वां श्री कृष्ण का अभिषेक। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन को धारण करके मूसलाधार वर्षा से ब्रज को बचा लिया, तब उनके पास गोकुल के कामधेनु और स्वर्ग से देवराज इंद्र आए। भगवान का तिरस्कार करने के कारण इंद्र बहुत ही लज्जित थे, इसीलिए उन्होंने एकांत स्थान में भगवान के पास जाकर अपने सूर्य के समान तेजस्वी मुकुट से उनके चरणों को स्पर्श किया। परम तेजस्वी भगवान श्री कृष्ण का प्रभाव देख सुनकर इंद्र का यह घमंड जाता रहा कि मैं ही तीनों लोकों का स्वामी हूँ। अब उन्होंने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। इंद्र ने कहा, भगवन, आपका स्वरूप परम शांत, ज्ञानमय, रजोगुण तथा तमोगुण से रहित एवं विशुद्ध अप्राकृत सत्वमय है। यह गुणों के प्रभाव रूप से प्रतीत होने वाला प्रपंच केवल मायामय है, क्योंकि आपका स्वरूप न जानने के कारण ही आप में इसकी प्रतीति होती है। जब आपका संबंध अज्ञान और उसके कारण प्रतीत होने वाले देहादि से है ही नहीं, फिर उन देह आदि की प्राप्ति के कारण तथा उन्हीं से होने वाले लोभ क्रोध आदि दोष तो आप में हो ही कैसे सकते हैं। प्रभो, इन दोषों का होना तो अज्ञान का लक्षण है। इस प्रकार यद्यपि अज्ञान और उससे होने वाले जगत से आपका कोई संबंध नहीं है, फिर भी धर्म की रक्षा और दुष्टों का दमन करने के लिए आप अवतार ग्रहण करते हैं और निग्रह अनुग्रह भी करते हैं। आप जगत के पिता, गुरु और स्वामी हैं। आप जगत का नियंत्रण करने के लिए दंड धारण किए हुए दुस्तर काल हैं। आप अपने भक्तों की लालसा पूर्ण करने के लिए स्वच्छंदता से लीला शरीर प्रकट करते हैं, और जो लोग हमारी तरह अपने को ईश्वर मान बैठते हैं उनका मान मर्दन करते हेतु अनेकों प्रकार की लीलाएँ करते हैं। प्रभो, जो मेरे जैसे अज्ञानी और अपने को जगत का ईश्वर मानने वाले हैं, वे जब देखते हैं कि बड़े बड़े भय के अवसरों पर भी आप निर्भय रहते हैं, तब वे अपना घमंड छोड़ देते हैं और गर्व रहित होकर संत पुरुषों के द्वारा सेवित भक्ति मार्ग का आश्रय लेकर आपका भजन करते हैं। प्रभो, आपकी एक एक चेष्टा दुष्टों के लिए दंड विधान है। प्रभो, मैंने ऐश्वर्य के मद से चूर होकर आपका अपराध किया है, क्योंकि मैं आपकी शक्ति और प्रभाव के संबंध में बिल्कुल अनजान था। परमेश्वर, आप कृपा करके मुझ मूर्ख अपराधी का यह अपराध क्षमा करें और ऐसी कृपा करें कि मुझे फिर कभी ऐसे दुष्ट अज्ञान का शिकार ना होना पड़े। स्वयं प्रकाश इंद्रियतीत परमात्मन, आपका यह अवतार इसलिए हुआ है कि जो असुर सेनापति केवल अपना पेट पालने में ही लग रहे हैं और पृथ्वी के लिए बड़े भारी भार के कारण बन रहे हैं, उनका वध करके उन्हें मोक्ष दिया जाए, और जो आपके चरणों के सेवक हैं, आज्ञाकारी भक्तजन हैं, उनका अभ्युदय हो और उनकी रक्षा हो। भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप सर्व अंतर्यामी पुरुषोत्तम तथा सर्वात्मा वासुदेव हैं। आप यदुवंशियों के एकमात्र स्वामी, भक्त वत्सल एवं सबके चित्त को आकर्षित करने वाले हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। अपने जीवों के समान कर्मवश होकर नहीं, स्वतंत्रता से अपने भक्तों की तथा अपनी इच्छा के अनुसार शरीर स्वीकार किया है। आपका यह शरीर भी विशुद्ध ज्ञान स्वरूप है। आप सब कुछ हैं, सबके कारण हैं और सबके आत्मा हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। भगवान, मेरे अभिमान का अंत नहीं है और मेरा क्रोध भी बहुत ही तीव्र मेरे वश से बाहर है। जब मैंने देखा कि मेरा यज्ञ तो नष्ट कर दिया गया, तब मैंने मूसलाधार वर्षा और आंधी के द्वारा सारे ब्रजमंडल को नष्ट कर देना चाहा। परंतु प्रभो, आपने मुझ पर बहुत ही अनुग्रह किया। मेरी चेष्टा व्यर्थ होने से मेरे घमंड की जड़ उखड़ गई। आप मेरे स्वामी हैं, गुरु हैं और मेरे आत्मा हैं। मैं आपकी शरण में हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब देवराज इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण की इस प्रकार स्तुति की, तब उन्होंने हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी से इंद्र को संबोधन करके कहा। श्री भगवान ने कहा, इंद्र, तुम ऐश्वर्य और धन संपत्ति के मद से पूरे पूरे मतवाले हो रहे थे, इसीलिए तुम पर अनुग्रह करके ही मैंने तुम्हारा यज्ञ भंग किया है। यह इसलिए कि अब तुम मुझे नित्य निरंतर स्मरण रख सको। जो ऐश्वर्य और धन संपत्ति के मद से अंधा हो जाता है, वह यह नहीं देखता कि मैं काल रूप परमेश्वर हाथ में दंड लेकर उसके सिर पर सवार हूँ। मैं जिस पर अनुग्रह करना चाहता हूँ, उसे ऐश्वर्य भ्रष्ट कर देता हूँ। इंद्र, तुम्हारा मंगल हो। अब तुम अपनी राजधानी अमरावती में जाओ और मेरी आज्ञा का पालन करो। अब कभी घमंड न करना, नित्य निरंतर मेरी सन्निधि का, मेरे संयोग का अनुभव करते रहना और अपने अधिकार के अनुसार उचित रीति से मर्यादा का पालन करना। परीक्षित, भगवान इस प्रकार आज्ञा दे ही रहे थे कि मनस्वी कामधेनु ने अपने स्तनों के साथ गोप वेशधारी परमेश्वर श्री कृष्ण की वंदना की और उनको संबोधित करके कहा। कामधेनु ने कहा, सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण,
आप महायोगी योगेश्वर हैं, आप स्वयं विश्व हैं, विश्व के परम कारण हैं, अच्युत हैं, संपूर्ण विश्व के स्वामी। आपको अपने रक्षक के रूप में प्राप्त कर हम सनाथ हो गई। आप जगत के स्वामी हैं, परंतु हमारे तो परम पूजनीय आराध्य देव ही हैं। प्रभो, इंद्र त्रिलोकी का इंद्र हुआ करे, परंतु हमारे इंद्र तो आप ही हैं। अतः आप ही गौ, ब्राह्मण, देवता और साधु जनों की रक्षा के लिए हमारे इंद्र बन जाइए। हम गौएं ब्रह्मा जी की प्रेरणा से आपको अपना इंद्र मानकर अभिषेक करेंगी। विश्वात्मन, आपके पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही अवतार धारण किया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण से ऐसा कहकर कामधेनु ने अपने दूध से और देव माताओं की प्रेरणा से देवराज इंद्र ने ऐरावत की सूंड के द्वारा लाए हुए आकाश गंगा के जल से देव ऋषियों के साथ यदुनाथ श्री कृष्ण का अभिषेक किया और उन्हें गोविंद नाम से संबोधित किया। उस समय वहां नारद, तंबुरु आदि गंधर्व, विद्याधर, सिद्ध और चारण पहले से ही आ गए थे। वे समस्त संसार के पाप ताप को मिटा देने वाले भगवान के लोक कमल पह यश का गान करने लगे और अप्सराएं आनंद से भरकर नृत्य करने लगी। मुख्य मुख्य देवता भगवान की स्तुति करके उन पर नंदन वन के दिव्य पुष्पों की वर्षा करने लगे। तीनों लोकों में परमानंद की बाढ़ आ गई और गऊओं के स्तनों से आप ही आप इतना दूध गिरा कि पृथ्वी गीली हो गई। नदियों में विविध रसों की बाढ़ आ गई। वृक्षों से मधुधारा बहने लगी। बिना जोते बोए पृथ्वी में अनेकों प्रकार की औषधियाँ अन्न पैदा हो गए। पर्वतों में छिपे हुए मणि माणिक के स्वयं ही बाहर निकल आए। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक होने पर जो जीव स्वभाव से ही क्रूर हैं, वे भी वैरहीन हो गए। उनमें भी परस्पर मित्रता हो गई। इंद्र ने इस प्रकार गौ और गोकुल के स्वामी श्री गोविंद का अभिषेक किया और उनसे अनुमति प्राप्त होने पर देवता, गंधर्व आदि के साथ स्वर्ग की यात्रा की। श्रीमद्भागवत महापुराण स्कंद 10वां अध्याय 27वां समाप्त।